दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। ट्विटर ने जो मोदी जी के इमेज को नुकसान पहुंचाया, इसके लिए बीजेपी ट्विटर को अपना दुश्मन मान बैठी। ये सोशल मीडिया ही है जो आज किसान आंदोलन को किसान आंदोलन बनाया और मोदी गवर्नमेंट के हवा को पूर्ण का पूर्ण रूप से इसके हवा को निकाल के रख दिया है, और देश और विदेश दोनों में। अगर पेट्रोल 100 रुपया होता है तो गोदी मीडिया क्या कहता है कि देश हित में इतने का पेट्रोल खरीद लेना चाहिए, इससे देश का तरक्की होगा। लेकिन ट्विटर पे तुरंत ट्रोल होता है कि 20 रुपया का खरीद के ये लोग 80 रुपया टैक्स चार्ज करते हैं और 100 रुपया में बेच रहे हैं। तो ये सारा हवा कहाँ निकलता है? ट्विटर पे निकलता है। तो बात साफ है दोस्तों, गोदी जी को चाहिए कि ट्विटर भी उनका तलवा चाटे, गोदी जी को चाहिए कि ट्विटर भी चटुकारता करे। नहीं, ये कोई गोदी मीडिया नहीं है, इसके मालिक जो है मैन ऑफ इंटीग्रिटी हैं, और वे लोग अपना सर कटा लेंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। हेलो दोस्तों, नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, देश लाइव के दर्शकों को मैं स्वागत करता हूं। आज मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जो सोशल मीडिया है, खासकर ट्विटर फेसबुक, ये है, आखिर सरकार बुरी तरह से हाथ धो के इनके पीछे क्यों पड़ी है, कारण जानिए। याद रखिए दोस्तों, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्या होता है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है। लेकिन मीडिया तो अब गोदी हो चुका है, इस मीडिया को मीडिया नहीं गोदी मीडिया कहा जाने लगा है। गोदी मीडिया करता क्या है? यह मोदी जी कोई भी एक्शन लेते हैं उससे नागरिकों को हानि हो भला हो, ये गोदी मीडिया ये जो है तारीफ करने में मोदी जी का लगा रहता है। मान लीजिए किसी भी राज्य में चुनाव है, उस राज्य में अगर बीजेपी की सरकार नहीं है तो जो भी मुख्यमंत्री है उसको विलेन दिखाने का कार्य मीडिया करने लगता है, और मोदी जी को सर्वे सर्वा और भगवान दिखाने का कार्य ये गोदी मीडिया करने लगता है। जो बीजेपी और गोदी मीडिया को, गोदी जी को ये बहुत प्रिय है। और ये गोदी मीडिया और गोदी जी का जो गठबंधन हुआ है, एक गठबंधन पिछले कई वर्षों से चल रहा है, जब गोदी मीडिया ने अपने आत्मा को सरकार के सामने बेच दिया और सरकार के तलवे चाटने लगा, चटुकारता करने लगा, तब से एक गोदी मीडिया चल रहा है। अब देश का नागरिक भी टीवी देखना बंद कर रहा है, न्यूज़ देखना बंद कर रहा है। एग्जाम्पल, आप जाके TRP चेक करिए, गोदी मीडिया का TRP पहले क्या था, अब लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर सोशल मीडिया की तरफ स्विच हो रहे हैं, फेसबुक ट्विटर इन सब पे लोग जो है एक्टिव हो रहे हैं। और फेसबुक ट्विटर आजकल लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बन गया है। यह सही मायने में एक व्यक्ति और नागरिकों की दिल की जो बात है उसको जो है पूरे 2-4 मिनट में पूरे विश्व में दर्शाया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं ट्विटर और फेसबुक की। आपको याद होगा दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया, क्यों? क्योंकि जो थ्रेटा थी उसने किसान आंदोलन के ऊपर जो है ट्वीट किया था, और ये गोदी जी का इज्जत जो है विदेशों में खराब होने लगा था, और जो गोदी मीडिया पूरा का पूरा हवा भर रही थी गोदी जी के इमेज को। तो ये ट्विटर ने जो मोदी जी के इमेज को नुकसान पहुंचाया, इसके लिए बीजेपी ट्विटर को अपना दुश्मन मान बैठी, जबकि ट्विटर बीजेपी को अपना दुश्मन नहीं मानता। ट्विटर एक कंपनी है, वो कहता है आप अकाउंट खोलो, और अकाउंट तभी खुलेगा जब आप हमारे टर्म्स एंड कंडीशन से सहमत रहो। तो जब भी कोई ट्विटर पे अकाउंट खोलता है, पहले टर्म्स एंड कंडीशन से सहमत होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे हमारे जैसे आम इंसान हो। उस टर्म्स एंड कंडीशन में कोई वायलेशन आता है तो ट्विटर उसके ऊपर एक्शन लेता है, चाहे वो गोबर भक्त की तरफ से हो, चाहे वो लिबरल्स हो, और चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो IT मिनिस्टर हो। आपको पता होगा दोस्तों, रविशंकर प्रसाद का हाल ही में क्या किया गया, उनका ट्विटर जो है डिनाई कर दिया एक्सेस 1 आवर के लिए। अब सारे गोदी मीडिया दिखाने लगे कि ट्विटर कर रहा है हदे पार, ट्विटर कर रहा है हदे पार, रविशंकर प्रसाद जो IT मिनिस्टर है उनके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया। ट्विटर ने जब आया न्यूज़ तो पता चला कि रविशंकर प्रसाद जो TV के डिबेट छोटे छोटे क्लिप में काट के अपने ट्विटर पे चढ़ाते थे। तो मान लीजिए कि अगर कोई बंदा आज तक पे गया है डिबेट में, तो आज तक क्या हुआ, वो क्रिएटर आज तक हुआ, उसका वीडियो खुद डालेंगे तो आज तक कॉपीराइट स्ट्राइक मार देगा। तो इनके ऊपर भी जो डिबेट गोदी मीडिया में दिए थे, कोई ना कोई गोदी मीडिया ही कॉपीराइट स्ट्राइक मारा है, और इसके वजह से एक्शन लेते हुए ट्विटर ने क्या किया है, 1 घंटे के लिए इनके अकाउंट को एक्सेस होने से रोका है। और इस पे पूरा का पूरा गोदी मीडिया और अंधभक्त पागल हो गए हैं कि ट्विटर ऐसा कर रहा है, ट्विटर वैसा कर रहा है। दोस्तों, दूसरा केस मैं बताता हूँ, गाजियाबाद का जो बुजुर्ग का दाढ़ी छील दिया गया, जय श्री राम बोलो नहीं तो मारेंगे, और वो कॉम्युनल बात था
बाद में यूपी पुलिस ने कहा यह ताबीज का मैटर है। और योगी सरकार ने मनीष महेश्वरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया है ट्विटर के, उनको बुलाया थाने, तो पुलिस के नोटिस को चैलेंज कर दिए कर्नाटका कोर्ट में। और जब पुलिस के नोटिस को उन्होंने कर्नाटका कोर्ट में चैलेंज किया तो कोर्ट उनके पक्ष में फैसला दे दिया, उनको अंतरिम जो फैसला दिया है अंतरिम उनके पक्ष में दिया है। तो अब जो है कोर्ट किस बेस पे फैसला देता है, ऑन द बेसिस ऑफ लिबर्टी एंड जस्टिस। तो लिबर्टी एंड जस्टिस ट्विटर के जो मनीष बंदा है मनीष महेश्वरी उसके फेवर में आ गया। क्यों? क्योंकि अब मोदी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, त्रिपुरा में है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां से ट्विटर के ऊपर FIR होगा, ट्विटर के को बदनाम करने का कोशिश किया जाएगा। जो प्रधानमंत्री, आप याद रखिए, कोई भी आंदोलन हो या आज की डेट में कुछ भी हो, सच्चाई सच्चाई है ये पता फेसबुक और ट्विटर से ही चलता है। प्रधानमंत्री संसद भवन में कहते हैं कि ये किसान जो है आंदोलनजीवी है, आंदोलन से इनका जो है जीविका चलता है। सोचिए इतना बड़ा बात देश का प्रधानमंत्री कहता है, इन किसानों को आतंकवादी और क्या क्या नहीं बोला गया। लेकिन ये सोशल मीडिया ही है जो आज किसान आंदोलन को किसान आंदोलन बनाया और मोदी गवर्नमेंट के हवा को पूर्ण का पूर्ण रूप से इसके हवा को निकाल के रख दिया है, और देश और विदेश दोनों में। तो मैं यही बता दूं कि ट्विटर का जो कार्य है, फेसबुक का जो कार्य है, वो सही मायने में अगर पेट्रोल 100 रुपया होता है तो गोदी मीडिया क्या कहता है कि देश हित में इतने का पेट्रोल खरीद लेना चाहिए, इससे देश का तरक्की होगा। लेकिन ट्विटर पे तुरंत ट्रोल होता है कि 20 रुपया का खरीद के ये लोग 80 रुपया टैक्स चार्ज करते हैं और 100 रुपया में बेच रहे हैं। ये निहायती बेईमान सरकार है, ये सरकार नागरिकों से मतलब अत्याचार बहुत ज़्यादा कर रही है, क्योंकि जब उसके बैरल में रेट कम पड़ रहा है तो उसी हिसाब से यहाँ बेचे, लेकिन यहाँ पेट्रोल और डीजल का इतना ज़्यादा रेट कर देना, इतना ज़्यादा उस पर टैक्सेस चार्ज कर देना, तो ये सारा हवा कहाँ निकलता है, ट्विटर पर निकलता है। तो बात साफ है दोस्तों, गोदी जी को चाहिए कि ट्विटर भी उनका तलवा चाटे, गोदी जी को चाहिए कि ट्विटर भी चटुकारता करे, फेसबुक भी चटुकारता करे, लेकिन ये लोग करेंगे नहीं। ये कोई गोदी मीडिया नहीं है, इसके मालिक जो है मैन ऑफ इंटीग्रिटी हैं, और वे लोग अपना सर कटा लेंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। भले ही उनका फेसबुक और ट्विटर इंडिया से बैन हो जाएगा, लेकिन वो झुकने वाले लोग नहीं हैं। तो मैं भी आप लोगों से यही कह रहा हूँ दोस्तों, आवाज़ उठाते हैं हम लोग किससे, सोशल मीडिया से उठाते हैं। कल को मोदी गवर्नमेंट, आप सभी जानते हैं, अमित शाह ने क्या किया, कानून लाया और उस कानून से सोशल मीडिया को गवर्न करने लगा, और 25 मई से वो कानून लग भी गया। तो ऑलरेडी ये सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का चाल ये लोग चल रहे हैं, अब उसके बाद भी ये बदनाम करने का कार्य शुरू किए हैं हम फेसबुक ट्विटर एंड ऑल को, और ये बदनाम करके ये लोग सोच क्या रहे हैं। आखिर आज जनता हमारे जैसे रविकांत भारती और आप जैसे लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारे देश का क्या हाल होगा। जब फेसबुक और ट्विटर बैन कर दिया जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ सड़क के चौराहे पे जाके बात करेंगे, जो लाखों लाखों लोग बात कर रहे हैं हम लोग ये कैसे बात कर पाएंगे। तो गोदी मीडिया को दोस्तों, और ये ट्विटर को भी जो गोदीकरण और फेसबुक का गोदीकरण ये लोग प्रयास कर रहे हैं तो संभव नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा सबसे पहले गोदीकरण छोड़िए, हमें मोदीकरण से मुक्ति पाना है, और मोदीकरण जो हुआ उत्तर प्रदेश का उससे हमें मुक्त हो जाना है। अब 2024 में चुनाव आ रहा है, उससे भी हमें मुक्त हो जाना है, और मुक्त जैसे ही हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि जिस दिन बीजेपी से हमें निजात मिला, समझ लीजिए हमारा देश फिर से आज़ाद हुआ। क्योंकि सही मायने में हमारे देश में आज़ादी के पहले जिस तरह से RSS के बंदे अंग्रेजों के चमचों का कार्य करते थे, ठीक उसी तरह से इनके हाथ में जब से सत्ता आई है तब से यह देश के नागरिकों की इंडिविजुअल फ्रीडम के साथ इतना हस्तक्षेप कर रहे हैं जिसका नाम नहीं। तो दोस्तों मेरे वीडियो को सुनते रहिए, लगे रहिए, मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।